नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज क्रिमिनल्स में होगा 15 करोड़ 15 घंटे, ऑपरेशन गेम ओवर, सट्टे के खेल की इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी देर में। कहां प्रेमिका ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिस ड्रामे के बाद मिली प्रेमिका की लाश, महिला की अजली लाश, और लिव इन पार्टनर का गुना भी दिखाएंगे, पति पत्नी का सुसाइड, आखिर कहां बना है पहेली, जुर्म के कई और दास्तां आज के क्रिमिनल्स में। इस लव स्टोरी में प्रेमिका ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, प्रेमिका का हंगामा और प्रेमी का खौफनाक इंतकाम, प्रेमी अपनी बीवी के साथ मिलकर प्रेमिका की हत्या की साजिश रचता है, 1.5 साल बाद खोला हत्यारे प्रेमी का राज। देखिए, कातिल बदलता रहे ठिकाना, सरेआम बेइज्जती और इंतकाम, प्रेमी की पिटाई प्रेमिका की जान पर बनाई, प्रेमिका का कत्ल बीवी ने दिया साथ, 1.5 साल बाद खुला राज, प्रेमी की बेइज्जती बदलापुर। 1.5 साल से सीमा खान की मर्डर मिस्ट्री एक रहस्य बनी हुई थी। ग्वालियर की रहने वाली सीमा की लाश मुरैना के सीता बसैया थाना इलाके में मिली, कुतवार डैम के पास। झाड़ियों में लाश की पहचान करना चुनौती था। लाश के फोटो वायरल किए गए, पहचान हुई, लेकिन 1.5 साल से सीमा खान की हत्या का राज राज ही था। सवाल था कि ग्वालियर की रहने वाली सीमा खान आखिर मुरैना क्यों आई, किसके साथ आई। 1 नवंबर 2022 को, लगभग आज से 1.5 साल पहले, एक डेड बॉडी मिली थी कुतवार डैम के पास में। वो उस पर से मर्ग कायम किया गया, तमाम समय तक प्रयास करने पर उसकी, जो कि चूँकि अज्ञात महिला का शव था, इतना था, तो उसकी शिनाख्ती के लिए तमाम प्रयास हुआ, और विवेचना के दौरान, मर्ग जांच के दौरान ये तथ्य समझ में आया कि ये मृतिका सीमा खान, पत्नी अनवर खान है, जो पुरानी छावनी ग्वालियर की रहने वाली हैं। सीमा शादीशुदा थी, जिसके ससुराल वालों ने एक शख्स पर शक जाहिर किया। हैरानी की बात यह थी कि जिस शख्स पर शक जताया जा रहा था, उसके घर दबिश तो दी गई, लेकिन वो मिला नहीं। यही बात पुलिस को भी खटक रही थी। इस मामले में एक और हैरान करने वाली बात थी, बार बार वो संदिग्ध ठिकाना बदल रहा था, घर बदल रहा था, यानी किसी भी घर में आरोपी ज्यादा देर नहीं रुकता, हर 2 महीने में अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था। उसमें ये पता चला कि एक परिवार लगातार, जिसपे संदेह था, वो मकान छोड़ के रह रहा है, कभी 2 महीने कहीं रहता है, फिर मकान छोड़ देता है, फिर 2 महीने कहीं रहता है, तो कुल मिलाकर के फिर वो मुखबिरों से सूचना के आधार पर उन व्यक्तियों को पकड़ा गया। इधर पुलिस को इनपुट मिला कि आरोपी अपने परिवार के साथ मुरैना में आकर रुका है, दबिश दी गई, और फिर जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। इस कत्ल में आरोपी, आरोपी की पत्नी और बेटा शामिल है, और जब पकड़ा गया तो उनने पूरी घटना को बोली। उसमें ये घटनाक्रम निकल के आया कि ये जो मृतिका थी, इसके अवैध संबंध मोहल्ले के किसी व्यक्ति के साथ थे, क्योंकि मृतिका भी शादीशुदा थी और जो व्यक्ति है वो भी शादीशुदा था, उसके बच्चे बड़े थे। तो ऐसी स्थिति में जब महिला ज़्यादा दबाव बनाने लगी कि शादी करो मुझसे, तो उस आदमी ने तंग आकर के जो है उसको मना किया, और एक दिन वो महिला उसके घर पहुँच गई, वहाँ जा करके इसने पूरे मोहल्ले के सामने इसको गाली गलौज की और चप्पल मार दी, तो इससे इसकी बेइज्जती हुई। कत्ल के पीछे की वजह, प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा। आरोपी और सीमा खान के बीच अवैध संबंध थे, प्रेमिका ने प्रेमी के घर पहुंचकर उसकी बेइज्जती की, पिटाई की, आरोपी प्रेमी ने पत्नी और बेटे के साथ मिलकर प्रेमिका के कत्ल का प्लान बनाया। सारा वाकया इसके परिवार जनों और बच्चों के सामने हुआ था, तो इन सब ने मिलकर प्लानिंग करके इसको ठिकाने लगाने का सोचा, और फिर जो है इसको मार करके लोग जो है कुतवार डैम के पास में ले गए, तो संपूर्ण घटनाक्रम में जो मृतिका है, उसका जो प्रेमी, जिससे उसके अवैध संबंध थे, वो, उसकी पत्नी और उसका बेटा, यानी कि 3 जो है एक ही परिवार के 3 सदस्य इस घटना में शामिल हैं। प्रेमी की बेइज्जती का ये बदलापुर रोंगटे खड़े करने वाला है। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 15 करोड़ 15 घंटे, ऑपरेशन गेम ओवर,
हाईटेक सट्टे का ये वो खुलासा जिसका इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया। मास्टरमाइंड के घर जब पुलिस ने रेड मारी तो नोटों के बंडल देख पुलिस वाले भी हैरान थे। आप भी देखिए पंटर पर पुलिस का हंटर, सट्टे के खेल के और कितने किरदार। सात देशों की विदेशी मुद्रा जिसमें कि पाउंड, डॉलर, दिरहम वगैरह शामिल है, वो बरामद की गई, जिसकी वैल्यूएशन भी लाखों रुपए है। हाईटेक सट्टा इंटरनेशनल कनेक्शन, बिल्डर के घर पुलिस की रेड, पंटर पर पुलिस का चला हंटर, बुकीज की बाजी बेनकाब, सट्टे के शातिर खिलाड़ी बोल्ड। ₹15 करोड़ 15 घंटे, ऑपरेशन गेम ओवर। गुनाह की पिच पर करोड़ों का खेल, करीब 15 करोड़ का कैश, जिन्हें गिनने के लिए बकायदा मशीन मंगाई गई। 11 बैग में 15 करोड़, मुनाफे का वो खेल जिसके शातिर खिलाड़ियों को पुलिस ने बोल्ड किया। तो ऑपरेशन गेम ओवर की इनसाइड स्टोरी आपको तफसील से बताते हैं। उज्जैन की क्राइम ब्रांच, साइबर टीम, नील गंगा थाना और खारा कुआ थाना पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। एक ही रात में दो जगह रेड मारी गई। पहला ठिकाना था बिल्डर पीयूष चोपड़ा का घर मुसद्दीपुरा और दूसरा ठिकाना जहां से ऑपरेट हो रहा था सट्टा कारोबार, नील गंगा थाना इलाके का 19 ड्रीम्स कॉलोनी। इसी संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति पीयूष चोपड़ा बड़े स्तर पे सट्टे का जो है ऑनलाइन कारोबार ये कर रहे हैं। इसको पिछले एक दो दिनों में डेवलप किया गया और कल देर रात से पुलिस की टीमों ने उज्जैन में दो तीन जगहों पे दबिश की है, जिसमें मुसद्दीपुरा जो थाना खारा कुआ क्षेत्र में आता है और 19 ड्रीम्स कॉलोनी जो थाना नील गंगा में आती है, यहाँ दबिश करके और बहुत बड़ी मात्रा में 14 करोड़ 58 लाख रुपीज कैश के रूप में बरामद किया गया है। सात देशों की विदेशी मुद्रा जिसमें कि पाउंड, डॉलर, दिरहम वगैरह शामिल है, वो बरामद की गई, जिसकी वैल्यूएशन भी लाखों रुपए में। पुलिस को खबर लगी थी इस इंटरनेशनल सट्टे की। बिल्डर के घर जब दबिश दी गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए, करोड़ों का कैश बरामद हुआ। अब कैसे चलता था ये खेल ये भी सुनिए। पीयूष चोपड़ा का इंटरनेशनल कनेक्शन है, जिसने 3 राज्य से पंटर हायर किए। जो दाव लगाने में माहिर है उन्हें हाईटेक तरीके से दाव लगाना सिखाया भी। वर्ल्ड कप और दूसरे खेल में सट्टे की कहानी सामने आई है। 40 से ज़्यादा जो है वो मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड मिनीस वगैरह बरामद किए गए हैं। इसमें 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो लिम्बाहेड़ा, लुधियाना और नीमच के रहने वाले हैं, जो ये बैटिंग का कार्य कर रहे थे। मुख्य आरोपी अभी पकड़ा नहीं जा सका, जिसके लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं और ये पूरी रिकवरी और पूरी कार्रवाई को लेकर हमने जो एजेंसीज इसमें हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में कैश और कुछ मेटल भी, प्रेशियस मेटल भी रिकवर किए गए हैं जो अनअकाउंटेड फॉर है, उसके लिए जो है आईटी और एजेंसीज को भी सूचना दी जा रही है, ताकि वो भी अपने स्तर पर वेरीफाई करके इसमें कार्रवाई कर सके। अब खुलासा नंबर 2, पंजाब, राजस्थान, एमपी के नीमच से पंटर लेकर पीयूष ने करीब 6 महीने से ये कारोबार चला रहा था, जिससे पंटर यानी इन सटोरियों को बकायदा आईडी पासवर्ड दिए। एक ऐसी लाइन भी थी जिससे इंटरनेशनल बुकीज से ये पंटर लगातार कम्युनिकेशन में रहते, यानी कौन सी बड़ी बाजी लगानी है। मुनाफे का वो कारोबार जिसमें करोड़ों का खेल है, सोचिए जरा एक ही मैच में लाखों का खेल। मुख्य आरोपी है, उसके लिए हमने एक लुकआउट सर्कुलर जारी करा दिया है, जिससे वो विदेश ना भाग पाए, परंतु फिर भी हमारी टीमें रात भर से लगी हुई, उसके परिजन हमारे संपर्क में आ सकते हैं, उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं उसके वेयर अबाउट्स के लिए। अभी जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसको खंगाला जा रहा है। करोड़ों का कैश ही बरामद नहीं हुआ बल्कि इंटरनेशनल करेंसी भी बरामद की गई है, और मुझे लगता है इसमें और भी कई लोग हैं, इसके तार कई देशों से भी जुड़े हुए हैं जहां के माध्यम से ये बैटिंग करते थे, तो उसके संबंध में भी हमारी साइबर की टीम अभी एनालिसिस करेगी।
अब तक 9 सटोरिय पर शिकंजा कसा है। मास्टरमाइंड पीयूष के गुनाहों का काला चिट्ठा खंगाला जा रहा है। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक महिला का कत्ल हुआ, फिर उसकी लाश को जलाया गया, लेकिन लाश पूरी तरह जली नहीं थी। आज जली लाश की ये वो मिस्ट्री है जिसका खुलासा हैरान कर देगा। लिव इन पार्टनर ने कैसे प्रेमिका के साथ दगा की, प्रेमी ने शातर चाल चली, सैर सपाटे पर प्रेमिका को ले गया, फिर कर दिया कत्ल। किलर की खौफनाक साजिश, प्रेमिका की अधजली लाश की मिस्ट्री। पहले छलकाए जाम, फिर ले ली जान। शराब की महफिल, महबूबा का मर्डर। लिव इन पार्टनर का गुनाह, हैरत भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं। आखिर यहाँ किस महिला की लाश को जलाने की कोशिश की गई? हत्यारे ने कत्ल किया, फिर महिला की पहचान छुपाने के लिए लाश को जलाया भी, लेकिन मुर्दे ने अपनी पहचान खुद ही बता दी। लाश पूरी तरह जली नहीं थी। अधजली लाश की तस्वीर सारे थानों में सर्कुलेट की गई, सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया। मृतक महिला की पहचान हुई, 37 साल की रामकुमारी कश्यप की ये लाश थी। बोकरा मुड़ा की रहने वाली, जिसकी अधजली लाश कोरबा के कुसमुंडा खदान के पास सोनदरहा नाला के पास मिली थी। तारीख थी 9 जून। 9-6 की बात है, जिस दिन सोनदरहा नाला के पास में एक महिला की लाश, अधजली लाश मिली थी, जिसका मुआयना किया गया एफएसएल टीम के द्वारा और तस्दीक करी गई, तो फिर पता चला कि पीएम रिपोर्ट में कि उसको गला दबाया गया है। उसकी जानकारी सभी थानों में भेजकर, उसकी जानकारी फोटो को भेजकर पता किया गया। तो फिर नवागढ़ के पास में, उसके थाना नवागढ़ की राम कुमारी कश्यप होने का उसके भाई के द्वारा पहचान शिनाख्त की गई। राम कुमारी कश्यप का कत्ल उसके प्रेमी लिव इन पार्टनर मनबोध भारद्वाज ने किया था। वारदात का तरीका हैरान करने वाला है। मनबोध ने 4 साल की मोहब्बत का गला घोटा। 4 साल से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। वारदात से पहले प्रेमिका को सैर सपाटे के बहाने अपने साथ ले गया। उसके बाद इस बात के लिए भी राजी किया कि दोनों शराब की महफिल जमाएंगे। जाम छलकाने के बाद गमछी से प्रेमी ने प्रेमिका की गला घोट कर हत्या कर दी। जेवर लेकर भागा लवर किलर। कत्ल के बाद बाइक से पेट्रोल निकाल कर प्रेमिका की लाश को जलाने की मनबोध ने कोशिश की। लाश जलाने से पहले जेवर निकाले, प्रेमिका का मोबाइल लेकर फरार हो गया आरोपी। एक जिद बनी थी जान की दुश्मन। जब जिद करी लड़की ने कि नहीं, मुझसे शादी करो और रहो साथ में, तो फिर उसका गला दबाया, उसी के गमछे से, महिला के गमछे से गला दबाया गया और फिर अपनी बाइक में जो पेट्रोल था उससे निकाल के फिर उसको छुपाने का प्रयास किया ताकि उसकी शिनाख्त ना हो पाए। दरअसल प्रेमी मनमोत शादीशुदा था, पत्नी की मौत के बाद राम कुमारी के साथ लिव इन में रह रहा था, जो अक्सर अपने बच्चों से मिलने जाता था, लेकिन प्रेमिका को इस बात पर एतराज था। घर नहीं जाने देने की जिद में लवर किलर बन गया। कोरबा में अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पति पत्नी दोनों कमरे में जाते हैं, उससे पहले बच्चे को परिवार को सौंपते हैं, कमरे में टीवी चालू करते हैं, वॉल्यूम तेज था, फिर दोनों पति पत्नी सुसाइड कर लेते हैं। मौत से कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम आईडी पर बेटे की तस्वीर के साथ गाना शेयर किया था। क्या सुसाइड का ये प्लान पहले से बनाया जा रहा था? सुसाइड नोट मिलने के बाद भी मौत का ये राज अब भी राज है। कमरा, 2 लाश, कई सवाल। टीवी चालू, मौत को गले लगाया।
पति पत्नी की सुसाइड मिस्ट्री। ये मौत हर किसी को झकझोर गई। मासूम बेटा बस यही सवाल करता है, पापा कब आएंगे दादी, माँ कहाँ गई। लेकिन घर वालों के पास भी इस मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं। राकेश गुप्ता उनकी पत्नी अंजू ने मौत के आगे घुटने क्यों टेके, आखिर इनके दिमाग में ऐसी कौन सी कश्मकश चल रही थी। 11 जून की इस तारीख ने परिवार को तोड़ कर रख दिया। घर खुलाने से मौत होना प्रथम दृश्य प्रतीत होता है। इस संबंध में अभी लगातार जांच जारी है। अभी मृत्यु का कारण कोई स्पष्ट नहीं है। एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें अपने भाई को लिखा है कि मेरे बच्चे का पालन पोषण करना, मैं आपको छोटा भाई बच्चे की तरह पाला हूं, ऐसे करके उन्होंने लिखा है, लेकिन कोई मृत्यु का कारण स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। हस्ती खेलती जिंदगी की ये आखिरी तस्वीरें हैं। खुशनुमा तस्वीर राकेश गुप्ता और पत्नी अंजू की। 4 साल पहले ही दोनों की शादी हुई। इन तस्वीरों को देखकर कोई ये नहीं सोच सकता दोनों एक ऐसा खौफनाक कदम उठा लेंगे कि परिवार के पास सिवाय आंसू के कुछ नहीं बचेगा। बलरामपुर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता राकेश गुप्ता पत्नी अंजू के साथ घर आए। दोनों की 3 साल की बच्ची है। दोनों कमरे में गए लेकिन कमरे से बाहर आई तो दिल दहलाने वाली तस्वीर, जहर खाकर दोनों ने मौत को गले लगा लिया। ये कुछ भी कारण हो सकता है, जिस विषय में जांच जारी है वो आर्थिक कारण हो सकता है और या अन्य कारण हो सकता है। उसके मोबाइल वगैरह के बारे में पर्याप्त जो है जांच की जा रही है। अभी तक के जांच में कोई स्पष्ट कारण तभी परिलक्षित नहीं हो पाया। सवाल अब भी वही है, आखिर राकेश और अंजू ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया। सुसाइड से पहले जो किया वो भी सुनिए। दोनों ने बच्चे को परिवार को सौंपा, उसके बाद कमरे में गए, टीवी का वॉल्यूम तेज किया जिससे करहा भी बाहर ना आ सके, उसके बाद सुसाइड। क्या पहले से ही दोनों ने तय किया था आज उन दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन है। सुसाइड नोट में स्पष्ट मृत्यु का कारण का उल्लेख नहीं है। अपने बच्चे को एक परवरिश के रूप में देने के लिए बात लिखा है। सुसाइड नोट में बेटे की अच्छी परवरिश करना, कार को सुरक्षित रखना, LIC, फोन पे अकाउंट डिटेल के संबंध में बातें लिखी गई है। राकेश गुप्ता अपनी पत्नी अंजू और 3 साल के बेटे के साथ अंबिकापुर में पिछले 6 महीने से रहकर प्राइवेट अस्पताल में काम कर रहे थे। सुसाइड के कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम की ID पर बेटी की तस्वीर लगाकर एक गाना शेयर किया था। उसमें जो बात कही गई थी वो हैरान करने वाली है कि मरने के बाद उनका बेटा उनका नाम रोशन करेगा। क्या सुसाइड का प्लान पहले से ही बनाया गया था? क्या सुसाइड का ये राज अब भी राज है? आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है? बलरामपुर में सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही क्राइम शो में आज के लिए इतना ही।